Hello friends, welcome to eClass session. Please friends subscribe our channel eClass session और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके साथ ही आपको एक बेल आइकन मिलेगा, तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे और आप वो वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास सिक्स एनसीईआरटी की बुक हनीसकल चैप्टर सेवन्थ एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज फेयर प्ले से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम जो भी पूरा टेक्स्ट है उसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है तो इस चैप्टर की सारी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगर आपने हमारी ये सारी वीडियो देख ली तो उसके बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं बचेगा, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जिसका आपको मीनिंग ना पता। क्लियर? तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। हैज योर बेस्ट फ्रेंड, क्या आपका कोई अच्छा मित्र एवर डन, कभी उसने किया है समथिंग, कुछ भी, यू थॉट, जो आप सोचते हो, वाज रॉन्ग, गलत था। क्या आपके सबसे अच्छे मित्र ने कुछ ऐसा किया है कभी भी, एवर, यू थॉट, जो आप सोचते हो कि गलत था। व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया। डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप चुपचाप रहे। और डिड यू टेल योर फ्रेंड, क्या आपने अपने फ्रेंड्स को बताया। व्हाट यू थॉट, कि आपने क्या सोचा है, वो आपने अपने जो मित्र था अपने फ्रेंड्स उसको क्या आपने बताया। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, दो मित्रों के बारे में इस कहानी को पढ़ो, रीड पढ़ना। हु हैड टू डिसाइड, डिसाइड होता है निर्णय लेना, जिनको ये निर्णय लेना था। व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, कि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, मित्रता और दुश्मनी, और या ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में उनकी क्या राय थी, उनको क्या फीलिंग्स थी। सेंस होता है फीलिंग अबाउट समथिंग। क्लियर? यह फ्रेंड चैप्टर फेयर प्ले। क्लियर? जुम्मन शेख एंड अलगो चौधरी, जो जुम्मन शेख और अलगो चौधरी है, ये वही दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में स्टोरी है। जुम्मन शेख एंड अलगो चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, जुम्मन शेख और अलगो चौधरी अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रोंग, इतने मजबूत, वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, बॉन्ड होता है बंधन, कनेक्शन ऑफ फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता का जो उनका बंधन था वो इतना मजबूत था, दैट कि व्हेन आइदर ऑफ देम, जब उनमें से कोई वेंट अवे, बाहर जाता था फ्रॉम द विलेज, गांव से, द अदर लुक आफ्टर हिज फैमिली, जो दूसरा था उसके परिवार की देखभाल करता था। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। क्लियर? बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट होता है सम्मान करना, दोनों का ग्रेटली बहुत ज़्यादा, दोनों का बहुत ज़्यादा सम्मान था इन द विलेज, गांव में। क्लियर? जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जुम्मन की एक बूढ़ी, वृद्ध बोल सकते हैं या बूढ़ी चाची थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ संपत्ति थी, प्रॉपर्टी संपत्ति। दिस, यह है, सी ट्रांसफर टू हिम, ट्रांसफर होता है स्थानांतरित करना, किसी को दे देना। यह उसने, मतलब जो उसकी चाची थी, उसने उसको स्थानांतरित कर दी। ऑन द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, एक इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, एक जो समझौता होता है, ठीक है, एक समझौते के ऊपर वो ट्रांसफर कर दी जो प्रॉपर्टी थी, दैट की सी वुड स्टे विद हिम, कि वह उसके साथ रहेगी, स्टे ठहरना, उसके साथ ठहरेगी या उसके साथ रहेगी। एंड और ही वुड लुक आफ्टर हर, वह उसकी देखभाल करेगा, लुक आफ्टर देखभाल करना। द अरेंजमेंट वर्क वेल, जो व्यवस्था थी वो
उसने अच्छा काम किया अच्छे से, यानी कि व्यवस्था ने अच्छे से काम किया, मीन्स जो व्यवस्था थी वो अच्छे से चली फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। कपल ऑफ ईयर, कपल होता है टू, दो वर्षों तक जो व्यवस्था थी दो वर्षों तक अच्छी चली, देन तब द सिचुएशन चेंज, जो स्थिति थी जो वो बदल गई, ठीक है, फिर वो जो स्थिति थी वो बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ऑल रिलेटिव, जो जुम्मन और उसका परिवार था, बूढ़े जो उसके रिश्तेदार थे उससे उब गए थे, टायर्ड उबना थकना, उससे थक गए थे या उससे उब गए थे। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जो जुम्मन है वो उससे इतना विमुख हो गया था, उसकी चाची से उतना विमुख हो गया था, इनडिफरेंट यानी कि हैविंग नो इंटरेस्ट, कि जिस में आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं उदासीन होना, विमुख होना, कि जो जुम्मन था वो इतना विमुख हो गया था उससे, उसकी चाची से, एज हिज वाइफ, जितने की उसकी पत्नी, हु ग्रज्ड इवन द लिटल फूड। ग्रज होता है कोई चीज़ को करना या अनविलिंग, बिना इच्छा से कोई चीज़ करना या कोई चीज़ देना, क्लियर, आपकी इच्छा नहीं है बट फिर भी आप उसको दे रहे हो, या कोई काम की करने की इच्छा नहीं है फिर भी आप काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं ग्रज। वो ग्रज इवन द लिटल फूड, जो थोड़ा सा भोजन भी उसको बिना इच्छा के देती थी, दैट कि द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, जो वो बूढ़ी औरत थी प्रतिदिन जो चाहती थी, यानी कि प्रतिदिन जो लेडी जो वो खाना चाहती थी वो थोड़ा सा खाना भी जो उसकी वाइफ थी वो उसको अब बिना इच्छा के देती थी। शी सोल्ड दीज इंसल्ट अलोंग विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ। सोल, सोल होता है गुटकना, एक मीनिंग होता है गुटकना, दूसरा क्या होता है आप एक्सेप्ट करना, कोई भी चीज़ मान लेना, इंसल्ट हो, क्रिटिसिज्म हो, बिना कंप्लेंट किए हुए, क्लियर। उसने उन जो इंसल्ट है, जो अपमान था, उस अपमान को उसने गुटक लिया, या वो जो अपमान था वो सह लिया, ठीक है, अलोंग विद हर फूड, उसके भोजन के साथ, फॉर ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों तक, क्लियर। बट द पेशेंस हैज इट्स लिमिट, परंतु पेशेंस क्या होता है, धैर्य, जो धैर्य है उसकी एक अपनी सीमा है, धैर्य की भी एक सीमा होती है, क्लियर। फ्रेंड्स आज के चैप्टर में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।